ओम शांति। आज की तारीख है 1/2/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे प्यारे प्यारे विदेही निराकार शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी नजर किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है, वो विदेही है। तो हमें भी विदेही स्थिति में स्थित होकर के पढ़ाई पढ़नी है। प्रश्न है, उच्च पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भी रहकर कर सकते हो? उत्तर है, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ज्ञान कटारी चलाओ, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और शंख ध्वनि करते रहो, तो चलते फिरते बेहद के बाप को याद भी करो और उसी सुख में रहो, तो ऊंच पद मिल जाएगा। यही मेहनत है और ये मेहनत हम घरग्रस्त व्यवहार में रहते भी कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, योग से तुम्हें कौन सा डबल फायदा होता है? उत्तर है, एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता, दूसरा पास्ट के किए हुए विकर्म भी विनाश होते हैं। गीत बजा है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा के मधुर महावाक्य। नंबर 1, शरीर से डिटैच हो, अशरीरी बन शांति का अनुभव करना है, बाप की याद से स्वयं को विकर्मा जीत बनाना है। नंबर 2 है, अविनाशी प्रालब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, उल्टी सब मतों को छोड़ एक बाप की सुल्टी मत पर यानी श्री मत पर चलना है। वरदान परमपिता निराकार शिव सतगुरु का ऊंची स्टेज पर रहे प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भव, ऊंची स्टेज माना अवस्था ऊंची रखते हुए प्रकृति की हलचल को देखना है, साक्षी होके उसके प्रभाव में नहीं आना, तो ऐसे प्रकृति जीत भव। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि माया जीत तो बन रहे हो, लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेंगी, सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर रहो तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः ही परे हो जाएंगे। स्लोगन है आज का, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की
अनुभूति कराना भी तपस्या है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।